तो बच्चों हिस्ट्री के इस सरप्राइज टेस्ट के जवाब लिखने का समय आपके पास है सिर्फ एक घंटे। ओके, एक घंटे के अंदर आप लोगों को ये जवाब लिखना है और पास आउट होना है। रोहित, मैं क्या बोलता हूँ, देख हमारे पास डिजिटल नोटबुक तो है ही, और उसके अंदर क्वेश्चन पेपर भी है, और उस क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर लाइन से लगे हुए हैं। तुम क्वेश्चन पेपर का वेट क्यों करें, चल आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोंटू बॉस, आज जो टेस्ट है ना वो हिस्ट्री की है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो आंसर्स निकाले वो ज्योग्राफी के। अबे हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या, सब सेम टू सेम है। एक में राजाओं के नाम होते हैं और एक में शहर के, आखिर होते तो नाम ही है ना, समझा, सेम टू सेम। वाह बॉस, क्या सही पकड़े हो। अंटा, क्या गपशप कर रहे तुम दोनों? कुछ नहीं सर। हाँ, वो लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे थे, है ना? लास्ट टाइम रिवीजन? हाँ। ये नोटबुक साथ में क्यों रखी है? कॉपी करने वाले दोनों? नहीं, अरे सर वो क्या ना, हम राइटिंग पैड घर बुलाए तो लिखने के लिए कुछ था नहीं, इसीलिए नोटबुक के ऊपर हम पेपर लिखने वाले। देखिए ये नोटबुक खाली है पूरी। अच्छा बताओ। ये देखिए। हाँ सर, ये देखिए, ये नोटबुक खाली है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए देखिए, ओके ओके। ले तो बच्चों, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थोड़ी देर पहले मैं, बच्चे और डुबा डुबा वहां वहां खड़े थे, तो हमारी परछाइयों की वजह से झाड़ियां रुक गई थी, लेकिन जैसे हम लोग हटे, हमारी परछाई हटी, वैसे ही झाड़ियां आगे आना शुरू हो गई थी। इसका मतलब कि जब भी झाड़ियां किसी परछाई को देखती है तो वो रुक जाती है। भटकाती परी, आप तुरंत जाइए और चारों तरफ परछाइयां बना दीजिए, क्योंकि जैसे ही झाड़ियां परछाई को देखेंगी वो रुक जाएंगे, और फिर बालवीर को भी थोड़ा समय मिल जाएगा। जल्दी कीजिए भटकाती परी। जी रानी परी। तू भी मेरे साथ रह के इंटेलिजेंट हो गया है। मैं तो पहले से हूं ही ना बच्चों। या
निकाल दी। आज एक बार फिर से आपने असंभव को संभव करके दिखाया है। हम सबकी जान को बचाया है आपने बालवीर। हम सबको आप पर गर्व है। हाँ बालवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आप सभी से क्षमा मांगना चाहते हैं। आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप परीलोक की सैर करना चाहते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। अब आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है। हाँ, करेंगे करेंगे। शुक्रिया रानी परी, हमें पता था कि आपके और बालवीर के रहते हुए खतरा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, लेकिन अब हम सब जाना चाहेंगे। हाँ रानी परी, आपकी ये जादू की दुनिया बहुत अद्भुत है, लेकिन अब हम हमारी जादू की दुनिया में जाना चाहते हैं। हमारी जादुई दुनिया? हमारे दुनिया में कौन सा जादू है पापा? हाँ बोलिए ना। अरे भाई बहुत सारे जादू है। सुबह 9 से 5 की नौकरी का जादू, स्मिता का बनाया हुआ खाना खाने का जादू, आप लोगों की स्कूल का जादू, और स्कूल में मोंटू की दादागिरी का जादू, हमारे रॉकी की बेवकूफियों में बापूजी को फंसते हुए देखने का जादू, हमारे लल्लू बल्लू की शरारतों का जादू। बल्लू लल्लू भाई, इतने सारे जादू हैं, और ये छोटी छोटी खुशियां हैं ना, उसमें हम बहुत खुश हैं। अगर आप सभी की यही इच्छा है तो हम आपको पृथ्वी लोक पर भेज देंगे। अरे रुकिए रुकिए, जाने से पहले आप सब मुंह मीठा करके जाइए। हाँ आज तो ये मिठाई खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मिठाई खट्टी क्यों है? अरे बापूजी पहले देखिए तो सही। नटखट परी, यहाँ आइए। है ठीक। अब आप ये मिठाई सारे मेहमानों में बांट दीजिए। जी। आप लीजिए। क्या बढ़िया मिठाई है, ऐसी बढ़िया मिठाई तो हमारे पृथ्वी लोक पे भी नहीं मिलती। हाँ बाबूजी, हमारे यहाँ ऐसी नहीं मिलती, तो आप वहां नहीं खाएंगे, यहाँ जितनी चाहे खा लीजिए। तो चलिए अब आप सबको हम पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परियों। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.